ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਰੋਵੇਂ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਕੋ, ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਉਤੇ ਕੋ ਲਿੱਤਰ ਫਰੇ ਸੇ ਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਕੋ ਨਮ ਸੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਹੋਏ? ਜਿੰਦੇ ਕੋ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਨ ਤੇ ਠੁਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲਭੇਂਦਾ ਵਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਪੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਅਗਰ ਹੂੰ ਸਾਗੂ ਪਕੜ ਗਿ ਦੇ ਉਹ ਕਿਆ ਸੁਚੇ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਕਿ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮਤੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਖੰਡਰਾਤ ਹਿੰਦੇ ਉਤੂ ਤੋਂ ਅਗੂ ਸਟੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਖੰਡਰਾਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕੰਮ ਜੇ, ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਪ ਤੁਸਾਂ ਮੁਰਗੇ ਖੰਦੇ ਰਹੇ ਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਚਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ ਲਾਓ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾਓ। ਆ ਤੂੰ ਮਿੱਧਰ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਦੇਨੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਝੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਝੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। शुक्र है। क्या हुआ भाई, कितना ही मार लिया? इसके पास पैसा है। अच्छा आप इसको छोड़े ना जरा, आप कौन है? हम बकाले वाले। तो इसने पैसा देना? 550 का बिल था, सामान लिया तो दिया नहीं है। नहीं दिया। अच्छा इसको छोड़ो ना, दे देगा। मेरे क्या बाकी देने पैसे? मैं भी बक बक कर रहा। किस चीज के इतने पैसे? गोश्त का था, सामान का था। गोश्त कौन सा? छोटा वाला, ये पतला वाला। पतला वाला? पतला वाला वाला की बिल्ली ना खाता रहे। बकरा वाला गोश्त लिया, बकरा बिल्ली नहीं, बकरा वाला। पता क्या आपको मेरे ऑफिस का पता है ना? पता है। कहाँ है भला? अल-मजाज़। हाँ आप मेरे कल ऑफिस आ जाना। ओके। इनसे पैसे ले लेंगे, अगर इन्होंने ना दिए तो फिर मैं दे दूंगा। छोड़ेगा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा यार बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। तुमने बैठो, बैठो का बच्चा साइड पे हो जाओ। खान आपको कह रहा हूँ, आओ बैठो यहाँ। किधर से हो आप? मर्दान से। मर्दान से, वाह वाह वाह, मेरा फेवरेट डिस्ट्रिक्ट। बदायूनी पेड़ों वाला शहर और श्रीनी माल्टे वाला शहर। मेरे पठान नूं पैसे भी मिल जाने, दिल करे नाल कारोबार भी शुरू कर लेने। इहदे कोल तुसीं गुड़ छोड़ दा भी पुछो, इक पठान कोल पुछण डाए सी। हां गुड़ छोड़ वाला वो चार सद्दा का है, चार सद्दा। चलिए इधर तो लेके चले ना। अच्छा यहाँ आके बैठ के तमन्ना बन के, कुछ शर्म नहीं आ रही? कोई हया नहीं? केड़ी चीज दी शर्म? अब बकाले वाले के तुमने पैसे मारे हुए, कैसे बेउसूल आदमी हो तुम? ओ सर मारे नहीं, ओनू के आएगा, दो चार दिन बाद आन के ले जावे कि दो चार दिन च मर जाएगा। दो चार दिन है, पक्की बात है? वो कह रहा है एक महीना हो गया है। पहले 36 थे, फिर कोई 150 दिरहम हो गया, फिर 200-250 दिरहम हो गया, 570 दिरहम। मैंने ये तुम्हारे नुथनों से निकलवाना है। आई तंदी बशरम जी गल साडे ना ना करना। क्या अज तो तुसी कढोगे नथ नथी? और नुथना नासा नहीं होंदिया? हां नासा सीधा कह दियो, मैं तुम्हारे नासों से निकालूंगा, नुथड़ों से निकालूंगा। अच्छा उनकी बातों में इतराज है, अपनी हरकतों में? खातून आप चुप रहे। ये भी चुप रहे। ये एक तरीका इसने पकड़ा हुआ है ना अपनी जान छुड़ाने के लिए। आपका क्या ख्याल है, इस तरह से आपकी जान छुट जाएगी? असि जान छुड़ाने डे, असि ओदे पैसे जमा ही होन डाया। इस तरह तुम हमारी बदनामी का बायस हो। मंडी चुड़े सन। नहीं वाकई यार तुम क्या चक्कर क्या चलाया हुआ? ओ सर जिस दिन साड़ी फिल्म रिलीज होएगी ना, एहो जिया नूं ते असीं सोने ही तोलदे आ। तो रिलीज हो के फ्लॉप हो गई तो फिर साडा काम है रिलीज करना, फ्लॉप शलॉप साड़ी नहीं टेंशन हैगी। सर ये क्या मामला है? ये एक नेटवर्क है, नेटवर्किंग इसी को कहते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना एक्चुअली वो ओनर है फिल्म का।
उसने ऐसा अपना सेटअप बनाया होता है कि वो इंश्योर करता है कि फिल्म पूरे नेटवर्क तक जाए, फिल्म चले जरूर, क्योंकि एक दफा तो लोगों ने आना ही आना होता है ना। जो फिल्म बीन है, जिनके पास और कोई एक्टिविटी नहीं, वो फिल्म का इंतजार कर रहे होते हैं, वो अखबारों में, इंटरनेट पे, फेसबुक पे देखते हैं कोई नई फिल्म कौन सी आई है, जाके देखते हैं। तो वो अपने पैसे एक तरह से पूरे कर लेते हैं, बाद में फ्लॉप हो जो मर्जी हो, ये सेफ हो जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारी फिल्म किस डिस्ट्रीब्यूटर ने ली है? सर लग रहे हैं कोई चंगा या डिस्ट्रीब्यूटर, यानी फिल्म तुमने शुरू कर दी है और डिस्ट्रीब्यूटर आप तलाश कर रहे हो? लग जाएगा, लग जाएगा। जिस किस्म की आप फिल्म बना रहे हैं ना, कोई नहीं मिलना आपको, ना देखने वाला ना खरीदने वाला। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हो? सर यही गल मैं तुहानू पूछ रहा हूं, इत्थे वटियां तो समुद्र तो अलावा की चीज है इत्थे जिहड़ा लेके आ गए हो? सहरा है यहाँ पे, सहरा में डूब मरे हैं, पता है जरा सहरा में कौन डूबता है? गधे। यहाँ पर सहरा, समुंदर, सड़क, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ट्रिपल एस, वाह वाह। सहरा, समुंदर, सड़क, और समुंदर तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे ये जगह केड़ी जिथे असि बैठे हैं? ये अल खान का इलाका है, शारजा की सबसे कदीम लोकेलिटी, सबसे पुरानी लोकेलिटी, के जब शारजा का आगाज हुआ था और इस वक्त के जो रूलर है ना सुल्तान अल कासमी, उनका ताल्लुक अल खान ट्राइब से है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना तो ये 15 दिन जिरगा बैठता रहा था रेगुलर बेसिस पे, जब ये तब्दीली आई थी, ये सन 75 की बात है गालबा, बहुत पुरानी। और सर मजे की बात ये है कि इधर हम अल खान में बैठे हैं और वो जो पाम ट्रीज नजर आ रहे हैं वो दुबई है, वो ममजर बीच, दैट इज ममजर बीच, दिस इज शारजा। सिर्फ इतना फर्क है पानी का ही? वो ये तो पानी का है। तुम अजमान में एक सड़क नहीं दिखाई तुम्हें? हाँ जी। ये जिसका वन वे जो है जी जी जी। वो शारजा है, दूसरा वे अजमान है। वाह, सिर्फ फुटपाथ का फर्क है। ठीक है, बंदा इधरों किसी नु चपेट मार के तो उधर हो जाए, क्यों उधर कानून और हुंदा है ना? उत्तर ये करी ना किसी दिन। अच्छा? क्योंकि चपेट का इलाज दोनों जगहों पे एक ही है। तू चुप करके चपेट खा ली, खाने वाले का बहुत फायदा इथे, इथे जिहदा नुकसान हुंदा वा फौरी उन्हों उजाला मिलदा। चंड खा, बल्कि चंडा खाई जा, मेरे को भी खा चंड। अच्छी स्पीड है भाई। सर इतने अगर जाना होवे तो की करिए? उतर 15 दिरहम लगदे ने, मुफ्त नहीं हैगा। ये उधार कर लेंगे वैसे? मैंने तुम्हारी तस्वीर छाप देनी है अपने फेसबुक पे और किसी ने तुम्हारे साथ उधार नहीं करना। ओए चुप करो, ये पठान नु ले लेने दे, फिर उधार करांगे। वैसे पठान ने कुछ चपेड़ा तो नहीं मारियां? सर की गल करन डए हो, ओदी की जरूरत है कि साडे लख चुके दी वेखे चपेड़ा मारे, चपेड़ा मारे एक दी मारती है उन्हें बस। आजकल हम इनको क्यों झेल रहे हैं रोज रोज? डॉक्टर साहब आप जानती हैं कि आजकल नवीद वफा नहीं है जी। हाँ, ना कोई गेटअप है, ना कोई दाढ़ी, ना मूंछ, छोटा मोटा ये कर लेता है। अल्टीमेटली देखना, नवीद वफा अगर एक महीना और ना आया तो ये बड़ा अच्छा गेटअप आर्टिस्ट बन चुका होगा। इसने अदाकारी छोड़ देनी है। गेटअप आर्टिस्ट को पैसे ज्यादा मिलते हैं? जी मिलते हैं, लेकिन मैं एक्टिंग ही करनी है। आजकल यही गेटअप्स हैं हमारे पास, चूंकि ये इस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। मतलब ये जो हम आउटडोर व्लॉग्स कर रहे हैं ना जी, हाँ, ये प्रोबेबली लास्ट ऑफ द 4-5 व्लॉग्स हैं, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ देर के लिए गैर हाजिर हूँ और मेरी वापसी तक आई होप अगेंस्ट होप के तब तक हमारा सेट लग चुका होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी जान छुड़वाओ इन्हें कोनो यार, लुक एट द कूट। ओह इज दैट द कूट? यस, छोटी गूज है और कूट की बेबी डव को कहते हैं। बेबी डव नहीं, बेबी गूज को, छोटी कूट। शुक्र है परिंदा चुप करके नंगे जे बोल के रंगदा इन्होंने, उते 1.5 घंटा गल्ला कर। ये जो इसने काई काई की है, इसकी वजह ये है, ये ज्यादा नहीं करती, ये क्या करती सर? हर शहर पता ही देगा। साडे मल्ले के मगराबी आ गई। कैसा मगराबी? क्या मगराबी? मुर्गाबी, 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 मुर्गे आबी, मुर्ग मुर्ग परिंदा, आबी पानी।
पानी का मुर्ग साढ़े मल्ले का पानी का मुर्गा आ गया पानी का मुर्गा ऐसा सोना करे क्यों 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 बस मल्ले जी बांधता हूँ नंगदा वरदा नु माड़ी मोटी रोटी पानी पा दी सी बच्चे उन्होंने छेड़खानियां करते दूर खलो के वह बट्टे मारते सीते अखीर फिर इस तरह बोलते सर को फिल्म का सीक्वेंस सोचो इस टाइम एटमॉस्फेयर बनया है एटमॉस्फेयर बनया है किस चीज का एटमॉस्फेयर ये मौसम की जो होती है वो रंगीनी अच्छा उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर ये मंजर आप यकीन कीजिए कि मुझे याद दिला रहा है ये ग्रीन वाटर्स है ना ओ आप हैरान होंगे कि आज से 4-5 साल उधर दरिया सिंध कालाबाग के करीब ये मंजर पेश करता था अच्छा जी अब तो वो भी सूखता जा रहा है हमारी हर चीज की तरह हाय हाय और वो है अगर आप अपस्ट्रीम चले ना मखड़ शरीफ की तरफ ब्रिज से जो कालाबाग का रेलवे ब्रिज है तो रास्ते में एक जगह आती है वांडा कुकड़ा वांडा मींस गांव वांडा कुकड़ा मींस वो जो परिंदे होते हैं वहां बड़ी खूबसूरत हसीन जगह वहां पे नोल्स नजर आती हैं बीच में से पहाड़ियां वाओ और एवरेज वहां पे डेप्थ जो है वो 60-70 है और 150-150 तक जाती है वहां पर पानी ये कुछ कर रहा होता है जैसे ये है ना आगे देख रहे हैं आप सर जरा गहरा पानी होता है छलां मुख्तलिफ होती है हाँ नहीं उसमें आ रहा है ना ये पानी प्रेशर से आ रहा है एक बहुत ही गहरा होता है जो वो बिल्कुल स्टिल होता है अच्छा बिल्कुल स्टिल वो तो 2,000-3,000 फुट भी गहरा होता है अगर स्टिल वाटर्स रन डीप क्या अरे साथ बहाकर किन देशों को जा निकले ठहरे ठहरे लोग बड़े दरिया निकले क्या बात समझ आई है सर मैनू लग रहा है कि साड़ी फिल्म दे डायलॉग जेडे ने तुहाडे को लिखाने चाहिए पैसे कितने देंगे ये बताएं सर पैसों में आपको तोल देंगे हां जैसे बकाले वाले को तोला 500 रुपए के पीछे सर 500 सी इस करके नहीं देंडे भी वो तो जुड़ा नहीं डया पैसे वरना वो तो फजूल खर्च जे आदमी यानी आप उसकी कमेटी डाल रहे हैं अपने पास वो साडे को जमा ने अच्छा असली रिपोर्ट पार ही नहीं कर सकते ऐसे बेशर्म है वो बेचारा कहता है कि ये मुझको कहते हैं कि हम पैसा नहीं दे सकता तुम हमारी फिल्म में काम कर लो बिल्कुल यानी काम भी फ्री करो सर दो दिन असी ओदी ऑडिशन भी लई है फिर ऑडिशन कैसी रही बस ओनु गातरा शातरा पवा के असी क्या यानी कैमरे दे सामने नंगदे तू कहना कितने आदमी थे ओ नंगदे कहंदा कोचा कितने आदमी थे मैं कहा कट करो भाई वो देखो वापस आए कि यू टर्न लेके वाह स्पीड मार पकड़ेगी देखो ना तेज तेज ब्यूटीफुल ऐसे अंदर तो खाली है ओए हौली साडे तो घबरा गया सर मैं लगा साडे तो घबरा गया हौली चल की हो गया सर गई तो वेली है वजह की वो अपनी टाइमिंग पे चलती है भरे ना भरे ये कोई बदामी बाग को बस स्टैंड नहीं हैगा इथे एक सानू हट ले दियो अच्छा ओथे एक सीक्वेंस करना है क्या सीक्वेंस करना सर हीरो ते हीरोइन सवेरे सवेरे ए पानी दे किनारे आंदे ने अच्छा फिर मुंह धो के चल जांदे ने वापस क्यों ओना दा सीवा बनदे ना साईं ए सीवा क्या है शारजा वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस अदायगी करनी चाहिए ना फिर उतो दुबई चले गए वहां जाके क्या किया सकात लैन गए उतो जाके हीरो ने लैन लाके एक मशीन ली है मशीन कौन सी ਕਪੜੇ ਸੀਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਂਜੀ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀਰੋ ਨੇ ਲੈਣ ਚ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਰ ਚਲੇ ਫਿਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੁਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਏ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਦੂੰ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ फिल्म के चक्रों में कहां पड़ गए आप तुम्हें किस इडियट ने कहा है कि फिल्मों में बड़ा पैसा है सीक्वेंस है कि फिल्म दुबई दे विच शूट हुई है शूट होके तो ओदे विच गाना जेड़ा आवाज सी गाना पाया सुरैकी 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 की सुरैकी सुरीला सुरैकी सुरीला सारे खाच दे खाच सिराई की आखना चांदे
एक तू हो मैं एक मैं हो मां चन दी चोडवी रात होवे ना तू बोले दोवें गूंगे ने ना ओ सुनाने दे यार मैं बोला अखां दे विच गल बात होवे अखां दे विच गल बात होवे एक तू हो मैं एक मैं हो उडू चन दी चौदवी रात होवे सारे रल ते पढ़ो पढ़ो नहीं सब मंगो चूहे भी नहीं एडे एडे वे मैं देखे अगे और एक नहीं पूरी नीचे तो पूरी दुनिया रहती है तो खाना पीना फेंकते होंगे ना खाना पीना वो सारा आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर है जरा नीचे जाएंगे ना साथ ही नीचे क्रैब्स जुड़े होते हैं केकड़ा केकड़ा अच्छा बहुत मजे का पकता है वो भी अच्छा जी वो भी खा गए क्रैब खाने वाली चीज है कि वो खा गए होगी मैंने आदम को रहा अब तुसी जिदा दसया मेनू इदा दी शायद किदा खा सकदे हो यार केकड़ा नहीं पता आपको क्या होता है केकड़ा जिदा दी शायद किस तरह खा सकते केकड़ा खाते हैं ए खा किदा खाओगे तुसी मैं दसो जेड़ा ऐ कर रहा होगा